हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो अपन फिर से अपनी रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी जो थी वो आगे बढ़ाते हैं। मतलब कि अब मैं चलूंगा, मेरा दोस्त भी चलेगा और हम किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हैं। और आपको उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि मुझे मेरे दोस्त की वेलोसिटी कैसी दिख रही है, मेरे दोस्त को मेरी कैसे दिख रही है। इस बारे में थोड़ी सी बातें अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में की थी, एनएलएम के पहले वाले लेक्चर में। अब अपन लोग आज जो है इसी रिलेटिव वेलोसिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब मैं ना पानी में तैरने वाला हूँ, मैं स्विमर बनने वाला हूँ, मैं बोट में बैठकर घूमने वाला हूँ और अब मुझे रिवर को क्रॉस करना है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे आज की क्लास में, अपन लोग थ्योरी भी करने वाले हैं क्योंकि ये वो टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जिसमें अधिकतर लोगों को दिक्कत होती है। मैं तुमको बिना वेक्टर के लेके जाऊंगा, मैं तुमको लेकर जाऊंगा एक ट्राइंगल वाले मेथड से कि बस ट्राइंगल ढूंढना है तुमको और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो सब तैयार हो। प्रणाम अंकित, हाय एवरीवन, हाय रमानी, तैयार हो तुम लोग? शुरू करें? करूं शुरू? बोले तो ओके करना पड़ेगा तुमको, बिना ओके करे तो बाबा जी शुरू करेंगे नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, गायत्री इज देयर, मानसी इज देयर, चल रमानी जी इज ऑल्सो देयर। बढ़िया बढ़िया, अब अपन आगे मूव कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं इनफैक्ट रिवर बोट प्रॉब्लम की तरफ। और रिवर बोट प्रॉब्लम में अपने पास सबसे पहले तो अपन यही मान लेते हैं कि हमारी जो रिवर है वो रुकी हुई है। सबसे पहला केस है, केस वन, व्हेन रिवर इज एट रेस्ट। मतलब कि रिवर स्टिल है, रुकी हुई है, पानी रुका हुआ है, बह नहीं रहा, रिवर इज नॉट फ्लोइंग। ठीक है, इस केस में आपसे कहा जाएगा ये आपकी रिवर है और इसके अंदर ऐसा आपके पास वाटर है और आपके पास एक बोट है और आप इस बोट से इस रिवर को क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हो। तो जो आपकी वेलोसिटी है, अभी यहां पर वेलोसिटी की बातें करूंगा, जो आपकी वेलोसिटी होगी बोट की वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? जब भी वो बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो भाई स्टिल वाटर हो तब भी जो वेलोसिटी बोट है, बोट तो रिवर में चल रही है ना, तो वो जो वेलोसिटी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है, तो वी बी आर होती है, वो वी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये जो आपके पास निकल कर आता है इस केस में, कुछ भी मत सोचना। अगर आपसे कहा जाए कि जो विड्थ है वो डी है और आपको दे दिया जाए कि बोट जो है वो वी बी आर स्पीड से चल रही है या वेलोसिटी से चल रही है, आपको इसको क्रॉस करना है, तो हमारे पास ये जो मैजिक ट्राइंगल आता है ना, बस यही को फॉलो करना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मुझे इस रिवर को क्रॉस करने में टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो, नहीं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये देखो सामने ये डी है अपने पास और जो 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 इस वेलोसिटी है वो आपके पास वी है, यहाँ पर वी बी आर है, तो आपके पास जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है डी अपॉन वी बी आर। क्या ये बात समझ में आई? स्टिल वाटर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कोई लॉजिक नहीं लग रहा क्योंकि चल एक ही रहा है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अगर ये बात तुम्हारे समझ में आई तो अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर करो। और क्वेश्चन ये है, एक अपने पास बोट है, आंसर दे देना मैं अपनी जगह से उचक जाऊं ताकि, ठीक है, सही आंसर आएगा तो मेरे पास एनर्जी डबल होने वाली है। ये मेरे पास बोट है और ये बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब बोट स्टिल वाटर में जो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है वो मैंने आपको दे दी 4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो विड्थ है रिवर की वो 1 किलोमीटर है। आपको बताना है कितनी देर में क्रॉस करूंगा, कितनी देर में क्रॉस होगी, टाइम आंसर दे दो, तुम्हारे लिए शॉर्ट आउट मेरी तरफ से निकालो। हाँ, ये उस बोट की वेलोसिटी है रमानी जी, मगर बोट कहां पर है? रिवर में है, तो बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी ना। और आज मुझे ना तुम लोग दुआओं में याद रखना, मेरा गला सही हो जाए ताकि,
है ना, नहीं तो पता चला ये चौक हो जाएगा तो फिर ऐसी मैं बस मुंह चला रहा हूंगा, आवाजें नहीं आएंगी तुम तक, है ना। बोट की ही है मगर रिवर में है तो रिवर के रिस्पेक्ट में है। 1/4 सेकेंड, ओ भाई 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और 1 किलोमीटर को 1/4 सेकेंड में कर लेगा। तुमने जो गड़बड़ करी वो ये गड़बड़ कर दी कि इसको 1 मीटर मान लिया। ये 1 मीटर नहीं है, ये 1 किलोमीटर है भाई, और यही तो सबसे बड़ा लोचा है। इसीलिए बाबा जी ने यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले पढ़ाया था कि गड़बड़ मत करो, ये मीटर पर सेकेंड है और ये किलोमीटर है, तो टाइम का आंसर क्या आने वाला है? 250 सेकेंड्स। मिनट में कितना? गायत्री मिनट में निकाल। चलो तो टाइम आ जाएगा, कितनी डिस्टेंस है? 1000 मीटर। किलोमीटर में नहीं चलेंगे, अगर ये किलोमीटर पर आर दी होती तो किलोमीटर में चलते। डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, आंसर आ गया 250 सेकेंड्स। और इसको 60 से डिवाइड कर दो, 25/6 मिनट, यानी कि 4 मिनट। एक मिनट, 250 ना, हाँ, डिवाइड बाय 60 कर दिया तो मिनट में आ गया। ये आ जाएगा अपने पास 4 मिनट एंड 10 सेकेंड्स, 4 मिनट 10 सेकेंड में ये क्रॉस कर पाएगा, ये भाई उधर मिलेगा आपको। क्लियर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुनंदिता, सही है आंसर। कोई बात नहीं रामानी जी, सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है बाबा जी से, बिल्कुल गायत्री सही है, मिनट में भी सही है तेरा आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े कॉन्सेप्ट में, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। रिवर जब बहना शुरू होती है ना, मुसीबत तब शुरू होती है। अभी तक तो रुकी हुई थी, रिवर ने कहा जो तुम्हें करना है कर लो, जब तक टीचर क्लास में नहीं है तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है जितना शोर करना है। जैसे ही मास्टर तुम्हारा क्लास में आया या मैडम क्लास में आई, उसके बाद अब होगा जो कुछ भी होना, और अब कौन होगा? वही करेगा जो करना है। तुम क्या करोगे? तुम तो बैठ जाओगे चुपचाप। अब सुनो, अब हुआ क्या? व्हेन रिवर इज फ्लोइंग, केस टू, व्हेन रिवर इज फ्लोइंग, अगर रिवर फ्लो कर रही है तो क्या होगा? तो ये होगा, देखो समझो, आसानी के साथ समझ में आएगा। और ये रिवर है सुंदर सी अपनी, ये आगे की तरफ जा रही है, इस तरफ वी आर स्पीड से, रिवर की स्पीड, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, या रिवर की वेलोसिटी वी आर है। आपसे कहा गया कि यहां पर एक बोट खड़ी हुई है और ये बोट इधर जा रही है, मतलब जब स्टिल वाटर था तो ये वी, इसको क्रॉस करना था बिल्कुल सामने के सामने, तो ये वी बोट है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। जब भी बोट की स्टिल वाटर में वेलोसिटी दी जाए, दैट विल बी दी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। और ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब यहां से ये बोट चलना स्टार्ट करेगी। अब समझना कहानी में, अब हुआ कुछ, क्या हुआ? ये देखो, ये बोट जा रही थी आगे, ये रिवर जा रहा था इधर आगे, इस साइड, इस डायरेक्शन में, तो बोट को लगेगा कि मैं तो सीधे जा रही हूं, मगर ये जो वाटर है ये उसको कहां लेके जा रहा है? इस तरफ। इसको और समझाने की कोशिश करता हूं। तुम एक प्लेटफॉर्म पर हो और इस प्लेटफॉर्म पर तुम यहां से यहां जा रहे हो, तुम्हें यहां पहुंचना था। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तुम्हें 1 से 1 पे जाना था। समझना अच्छे से, ऐसा कोई नहीं समझा रहा, तुम्हें 1 से 1 जाना था, तो तुमने सीधे सीधे चलना स्टार्ट करा। मगर हुआ क्या, तुम्हारे दोस्त इतने नालायक निकले कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को खींचना शुरू कर दिया। तुम प्लेटफॉर्म पर सीधे चल रहे हो मगर तुम्हारे दोस्त उस प्लेटफॉर्म को खींच रहे हैं, तो तुम तो यहां से यहां ही पहुंचोगे, मगर जब तक तुम यहां से यहां पहुंचोगे तब तक तुम्हारे दोस्त इस प्लेटफॉर्म को उठाकर यहां पहुंचा देंगे। तो अल्टीमेटली तुम यहां से यहां ही पहुंचे, मगर बाहर से देखने पर मुझे समझ में आ गया कि तुम यहां से यहां नहीं, तुम यहां से यहां पहुंचे। तुम एक नंबर से एक नंबर पे नहीं पहुंचे, तुम एक नंबर से 5 नंबर पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी तो इधर ही थी मगर प्लेटफॉर्म की स्पीड इस तरफ थी, और इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट बना वो रिजल्टेंट ऐसा बन गया। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया?
तुम सीधे गए, प्लेटफॉर्म आगे चला गया, प्लेटफॉर्म मतलब रिवर हो गई, रिवर तुमको आगे ले जा रही है, तुम इधर ही जाना चाह रहे हो, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट यहां बना, तो तुम वहां पहुंच गए। तो मैं बाहर से खड़े होके देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगी, ये होगी वी बोट और ये है वी रिवर। मगर ये जो स्पीड थी ये क्या है, ये है वी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में तो तुम यहीं से यहीं पहुंचे। आ गया कि नहीं आया, सारे लोगों को आ गया समझ में? तो अब यहां पर दिक्कत खड़ी हो गई, और वो दिक्कत ये खड़ी हो गई कि जाना चाह रहा था इधर मगर पहुंचा कहीं और, जाना चाह रहा था सीधा सीधा मगर पहुंच गया कहीं और। ये वी बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वी रिवर है, तो मेरी रिजल्टेंट ये हो गई। ठीक है, अगर ये हो गई तो अब आप देखो मेरी बात को समझो, ये जो ट्राइंगल है ना आपके पास, ये जो ट्राइंगल है ना आपके पास, इस ट्राइंगल में अब आप ये समझ लो कि अगर कोई आपसे कहे कि ये वी बी आर है, ये वी आर है, ये आपके पास वी बी है, तो ये एंगल कितना होगा? अब आप ये बताओ कि बाहर से खड़ा हुआ बंदा जो बोट को देखेगा, वो बोट वर्टिकल से या फिर फ्लो के साथ, फ्लो के साथ ये एंगल बनाएगी, फ्लो के साथ ये जो अल्फा एंगल बना रही है इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बोट की, ये फ्लो के साथ क्या एंगल बनाएगी? तो अल्फा बना रही है, अब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो तुम मुझे बता दो जरा जल्दी से। मैंने कहा वेक्टर वेक्टर को नहीं पकड़ रहा मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को पकड़ रहा हूं, तो मुझे अल्फा निकाल के दिखाओ इस ट्राइंगल में। और बेसिकली किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो अल्फा इस ट्राइंगल में क्या निकलेगा? अल्फा सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया अपने पास बेस, तो अपन लिख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर। आया समझ में? नहीं आया? यहां पर ना मुझे पूछ पूछ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। बोलो, मैं सुन रहा हूं। आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो इस ट्राइंगल में ये अपने पास ये सिंपल ट्राइंगल था, तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई वी बी आर अपॉन बी आर। अब मैं आपसे ये कहता हूं अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या अपन इस ट्राइंगल में ये लिख सकते हैं वी बी का स्क्वायर हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इससे क्या आप रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट की निकाल सकते हो क्या? मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, क्या इससे निकाल पाओगे? यस और नो? आ जाएगी? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं, बिना सुने आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, अगर आ जाएगी तो ये बताओ जो रिजल्टेंट आ रहा है वो पहले के कंपैरिजन में, पहले वी बी आर था अब रिजल्टेंट वी बी है, तो पहले के कंपैरिजन में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? रिजल्टेंट ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। ये जो केस आपको मैंने बताया ये केस है जब आप रिवर को क्रॉस करोगे शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर रिवर फ्लो हो रही है और अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, आप बिल्कुल सीधे चले जाओगे, और अगर आप बिल्कुल सीधे चले गए तो रिवर आपको आगे की तरफ भी लेके जाएगी, तो आपका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। इसी में एक केस और बताता हूं, आराम से समझना। फिर से इसको शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करना बोलते हैं, ठीक है? तो यहां से आप यहां जा रहे थे, ये आप आगे चले गए, ये वी बी आर है, ये बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, और ये रिजल्टेंट था आपके पास वी बी।
और ये एंगल अल्फा है फ्लो के साथ, तो ये एंगल भी आपका अल्फा हो गया। ट्राइंगल अगर आपने ढूंढ डाला, सीधे जाने की कोशिश कर रहे हो, जा इधर रहे हो, तो ये जो ट्राइंगल अगर आपने ढूंढ डाला तो कोई भी न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये डिस्टेंस कहलाती है ड्रिफ्ट, ये डिस्टेंस कहलाती है ड्रिफ्ट। अगर रिवर की विड्थ है डी, अगर रिवर की विड्थ है डी, तो मैं आपसे कहता हूं कि कितने टाइम में बोट क्रॉस करेगी रिवर को, कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो बताओ मुझे, ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वी बी आर, तो भैया इसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लो, तो आपका आंसर आ जाएगा डी अपॉन वी बी आर। नहीं आया कि आया, आ गया क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ड्रिफ्ट कितना है, मान लो ड्रिफ्ट है एक्स, तो ड्रिफ्ट कितना है एक्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो भैया ये एक्स डिस्टेंस है, तो इस किस डायरेक्शन में एक्स है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है आगे जाने वाले डायरेक्शन में, वी बी आर, जितनी देर में ये क्रॉस करेगी उतनी देर में ही तो आगे बढ़ेगी ना, ऐसे बढ़ रही है ना ये, तो ये आगे भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ऐसे में क्रॉस भी कर रही है और इधर भी जा रही है, तो जितनी देर में ये यहां से उठकर यहां आएगी उतनी देर में ही तो यहां से उठकर यहां आई हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब है कि एक्स डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारे पास, टाइम तो यही लगेगा, टाइम तो इतना ही लगेगा, जो क्रॉस करने में टाइम लग रहा है उतनी देर में ही आगे गए हो, और जो इस डायरेक्शन में स्पीड है वो वी बी आर है, वी आर है इस डायरेक्शन में, देखो वी आर। सो अगर आपको इस टाइम की वैल्यू को यहां रख दो तो आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा डी अपॉन वी बी आर इंटू वी आर, आपके पास, आपने कुछ नहीं करा, इस टाइम की वैल्यू रख दी, जे डबल ई का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट इनमें से कौन सा फॉर्मूला ड्रिफ्ट की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल, ड्रिफ्ट की आंसर निकाल कर दे रहा है, तो ये है वो आंसर, ये है वो आंसर। आई होप तुम लोगों को इसमें मजा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन कराऊं, थोड़ा और फील करा दूं, थोड़ा मजा और करा दूं क्वेश्चन के साथ। अभी क्या नोटेशन में चल रहा है, नोटेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे हाँ या ना बोलोगे, चलो क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ घुसते हैं अपन। ये रिवर, इस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, जो बोट है, बोट की स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। जो रिवर है, रिवर की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है कि इस 200 मीटर विड्थ, या 180 मीटर ले लेता हूं, 180 मीटर विड्थ की रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। रिजल्ट आपको टाइम बताना है, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है, और आपको ड्रिफ्ट बताना है, ये तीनों चीजें निकालनी है, और आपको ये बताना है कि बोट का एंगल शोर के साथ कितना होगा, चारों चीजें निकलवा रहा हूं। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ट्राइंगल ढूंढ डालो, काम खत्म हो गया। कैसे हो गया, सामने की तरफ 6 है, आगे ले जाने वाला 8 है, तो अब तुम अगर ट्राइंगल बनाओगे तो ये देखो, इस 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रही थी वी बी आर, रिवर कितनी स्पीड से ले गई, 8 मीटर पर सेकेंड से ले गई, तो रिजल्टेंट कितना आएगा गुगू, रिजल्टेंट आएगा तुम्हारे पास ये, और ट्राइंगल बन गया। अब बता दो जरा जल्दी से, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, बीबी की वैल्यू क्या आएगी, बीबी की वैल्यू, ये 6 है ये 8 है, तो बीबी कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्या आंसर आ गया। मैं इंतजार करूंगा आप, तो बोट की स्पीड रिवर स्टिल वाटर में कितनी आ गई हमारी, और वो आ चुकी है अब अपनी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि आंसर आ चुका है 36 प्लस 64, यानी कि हाँ ये मैं सोच रहा था, अब मैं आगे आंसर बोलूं कि नहीं बोलूं, अंकित ने मेरी मदद कर दी, अंकित ने मुझे आंसर बता दिया, गायत्री ने भी मुझे आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, करेक्ट।
देर आए मगर दुरुस्त आए। रमानी जी ने भी आंसर दे दिया कि ये मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही सुनंदिता, बिल्कुल सही, शाबाश, करेक्ट। अब ये रिवर क्रॉस हो रही है 180 मीटर की और इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड है 6। देखो सीधे सीधे जाने में कितनी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है 180 और स्पीड क्या है 6। तो आप मुझे ये बता दो कि टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। इस डायरेक्शन की स्पीड है 6, इस डायरेक्शन की डिस्टेंस है 180, टाइम इज इक्वल टू 180/6 यानी कि 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में ये क्रॉस कर जाएगा। तो आपके पास टाइम आ गया, आपके पास वी भी आ गया। अब आप ये बताओ कि जब बोट सामने जा रही थी मगर बोट तो आगे चली गई, एक्स आगे चली गई, एक्स आगे चली गई, तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या है, 8 है। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 8 और टाइम कितना लगा 30, तो 8 × 30 आंसर आ गया आपके पास। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो आंसर आ चुका है 240 मीटर। मतलब कि भाई साहब वो बेचारा जा रहा था 180 मीटर इधर और पहुंच चुका है 240 मीटर आगे, तो क्रॉस करने में बेचारा भाई वहां पहुंच गया जाके, उसको वापस आना पड़ेगा 1.4 2.25 किलोमीटर के लगभग लगभग वापस आना पड़ेगा। तो ये आ चुका है। अब आपसे कहा जाएगा कि ये एंगल कितना है, रिवर तो ऐसे जा रही थी, रिवर के साथ ये कितना एंगल है, अल्फा है, तो ये हो गया अल्फा। तो भाई इस ट्राइंगल में क्या तुम टेन अल्फा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 8, तो टेन अल्फा आ जाएगा 6/8 3/4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सही आंसर दिया सबने, मानसी ने भी सही दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थ्री और टेन अल्फा जब 3/4 होता है तो एंगल हो चुका होता है 3, 4, 5 का ट्राइंगल होता है 37। तो 10 अगर 3/4 है इसका मतलब है एंगल 37 डिग्री है। तो आंसर आ गया क्या, बोलो जरा जोर शोर के साथ बताओ, जितनी तेजी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ 5 to 6 का ब्रेक लिया है अपन ने, 4 to 5 भी पढ़ा है, 6 to 7 भी पढ़ा है और अब अपन 7 to 8 भी पढ़ रहे हैं। मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई, तुम्हारी एनर्जी में भी नहीं आनी चाहिए। आवा ओके आवा ये आवा एंड जावा ओके चल एक क्वेश्चन उठाते हैं। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक बोट जो है वो रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब VBR दे दिया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर की जो वेलोसिटी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। मतलब कि ड्रिफ्टिंग कम से कम हो उस केस, उसके लिए बोट को कितने एंगल पे जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इसके लिए अब मैं तुमको एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन पे 1 मिनट के बाद वापस आता हूं, क्योंकि ड्रिफ्टिंग समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक चीज और समझानी पड़ेगी, तो पहले वो समझा देता हूं ताकि ये क्वेश्चन आसान बन जाए। ड्रिफ्टिंग को कम से कम करना है। तो अब अपन केस टू की तरफ आते हैं। केस टू अपन से कहता है व्हेन बोट क्रॉसेस रिवर विथ लीस्ट और विथ शॉर्टेस्ट पाथ। विथ शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि बोट जो है वो रिवर को क्रॉस कर रही है शॉर्टेस्ट पाथ से, सबसे छोटे पाथ से क्रॉस करे। तो ये आपके पास हो गई रिवर। अब आपको इसको शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है मतलब सीधे सीधे जाओगे तभी सबसे छोटा पाथ होगा। अगर सीधे सीधे जाओगे तब सबसे छोटा पाथ होगा, तो भैया सबसे छोटे पाथ ये तो रिजल्टेंट होगा ना। अगर रिजल्टेंट ऐसा होगा तभी आप सीधे सीधे जा पाओगे, नहीं तो रिजल्टेंट तो इधर निकल के आ रहा था तो आप इधर पहुंच रहे थे। आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है,
मतलब आपका रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, आपकी रिवर इस तरफ है, तो आप मुझे ये बताओ आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, वन या टू, जल्दी से आंसर करो, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि आपकी रिजल्टेंट सीधे सीधे आ जाए। कोई बात नहीं अंकित, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रमानी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही, जीके फैक्ट, बिल्कुल सही निगत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुनंदिता, गायत्री, नहीं नहीं निगत का आंसर गलत हो गया, सेकंड वाले में जाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट में चले गए, देखो फर्स्ट में भी जिसको समझ में नहीं आया बताता हूं, अगर तुम फर्स्ट में चले गए, अगर फर्स्ट में चले गए और रिवर आगे जा रही है तो तुम्हारी रिजल्टेंट तो और ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी, अगर और ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी तो कभी इधर आ ही नहीं पाएगी, तो इसका मतलब है कि यहां तो नहीं जा सकते अपन। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो आपको इस तरफ ही जाना पड़ेगा ताकि ये हो जाए VBR, ये हो जाए VR, और इन दोनों के कारण ये हो जाए आपके पास फाइनली, ये हो जाए आपके पास रिजल्टेंट VB। तो रिजल्टेंट आपका सीधा तब आएगा जब आप किसी एंगल पर भागोगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जाना है तो आपको किसी एंगल पे जाना है ताकि रिजल्टेंट सीधा हो जाए। ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल फिर से ढूंढ लिया, ये देखो अब की बार ये हो गया तुम्हारे पास वी बी, ये हो गया आपके पास वी आर, और ये हो गया आपके पास वी बी आर, और अगर आप फ्लो फ्लो रिवर के फ्लो के साथ एंगल देखो तो वो एंगल ये पूरा आएगा, तो यहां तक का तो हो गया 90, और ये बोल दिया अपन ने अल्फा, अब अपन को अल्फा निकालना है, अल्फा निकाल लो, ये ट्राइंगल खड़ा है तुम्हारे पास, इसमें ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आप लिख सकते हो वी बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी इधर, तो ये आ जाएगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये आ गई आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब की बार रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ कम हो गई, पहले प्लस हो रहा था, अब की बार माइनस हो रहा है, इसीलिए यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, पहले वाला था शॉर्टेस्ट टाइम, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। इस केस में ड्रिफ्ट है जीरो, क्योंकि आप आगे जा ही नहीं रहे, सीधे सामने अपोजिट वाले पॉइंट पे जा रहे हो, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा जीरो। अब अगर आपको ये डिस्टेंस दे दी डी, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो इस डायरेक्शन में आपकी बार आपकी वेलोसिटी क्या है, वीबी है, तो टाइम लगेगा क्रॉस करने में डी अपॉन वीबी। एंगल चाहिए अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, सामने परपेंडिकुलर इधर हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वी आर अपॉन वी बी आर। नहीं आया कि आ गया, बस सेटिंग 360 करना है मानसी, सब क्लियर दिखेगा, बिल्कुल सही बोला अंकित ने, बस सेटिंग 360 कर लो, क्या है 240 पर क्वालिटी बहुत लो जाती है, मजा नहीं आता, इसीलिए अपन ने इसको, मैं तो ट्रांसमिट कर रहा हूं तुमको HD में 1080 पे, तो अगर कोई 1080 वाला है तो वो देख सकता है, 1080 पे क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, बाबा जी के गाल का पिंपल भी दिख जाएगा, वो मत देखना, ठीक है। ठीक है मानसी, अगर ये आ गया तो अब अपन वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ये देखो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आर, मतलब VBR दे रखा है 5 किलोमीटर पर आर, The velocity of the river flow is 10 km per hour. River की जो velocity है वो है 10 km per hour. At what angle the stream direction must be, the boat move to minimize drifting. Minimize drifting का मतलब है कि आपकी बोट ने यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म कर दिया,
बोट यहां शोर पर पहुंच गई सीधे सीधे, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वीबी, यानी कि बोट को जाना पड़ेगा इस तरफ और इस तरफ हो जाएगा वी आर। तो लो कहानी खत्म। अपन को क्या निकालना था, डायरेक्शन निकालनी थी। अब आपको वी आर कितना दे रखा है, फाइव। ये वीबीआर कितना दे रखा, सॉरी वीबीआर दे रखा है फाइव, और रिवर कितने स्पीड से जा रही है, टेन। तो ये हो गया टेन। अपन को क्या निकालना था, अच्छा ओहो, अगर ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज करना है इस केस में तो प्रॉब्लम एक, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं यहां पर तुमको उल्टा, एक्चुअली मैं इसमें इसको रिवर्स कर लो आसान हो जाएगा, नहीं तो क्या टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ये फाइव है और ये टेन है ना, ऐसा कर लो। तो अपन को वी बी आर की वैल्यू जो है वो दे रखी है टेन और वी आर की वैल्यू दे रखी है फाइव। अब मगर मतलब बोट को तो तेज भगाना पड़ेगा ना यार थोड़ा, ठीक है। अब मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग करनी थी अपन को, तो यहां भागेंगे, ये एंगल हो गया अल्फा। अब देखो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तुम्हें 5 किलोमीटर पर आर पता है, हाइपोटन्यूज भी पता है 10 किलोमीटर पर आर, तो आपका साइन अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटन्यूज 10, 5 बाय 10 1 बाय 2। जैसे ही आया तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही स्नेहलता, और ये एंगल 90 को ऐड कर दोगे इसमें तो आंसर आ जाएगा 90 प्लस 30 120। बिल्कुल 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 समझ में आया। अब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आया क्योंकि आंसर आ रहे हैं। अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोगों को 2 मिनट देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अ बोट विच हैज 5 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर, बोट की स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आर, और रिवर की विड्थ जो दे रखी है वो दे रखी है 1 किलोमीटर, और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है उसमें 15 मिनट यानी कि 1/60 से डिवाइड कर दो, 1/4 आर, 1/4 आर में ये रिवर को क्रॉस कर रहा है। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कर रहा है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये सीधे जा रहा है, ऐसा होना चाहिए रिजल्टेंट, और इधर जा रहा है बोट, कोशिश कर रहा है, और ये रिवर है और आपको विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर और टाइम दे दिया है 1/4 आर। तो अब आपको निकालना है वी आर। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में वी बी आर पता है आपको, वी बी आर की वैल्यू क्या है आपके लिए, वी बी आर की वैल्यू है 5, वी बी की वैल्यू आपको नहीं पता तभी तो वी आर निकलेगा। तो ये जो जुगाड़ दी हुई है ना, इस जुगाड़ से क्या निकालो वी बी, और एक बार वीबी आ गया तो वीआर आ जाएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करना शुरू करो। स्टार्ट नाउ। हट गया मैं। आंसर का वेट कर रहा हूं। ओके 3 किलोमीटर पर आर स्नेहलता का आंसर, महक का आंसर 4 किलोमीटर पर आर। ओके देखते हैं और कोई, एनीवन एल्स, कोई मैदान में, नो वन, आएगा बाबा आंसर आएगा। मानसी इज देयर इन द क्लास, ओके गायत्री 3 किलोमीटर पर आर, लेट्स सी। एक दो के आंसर और बचे हैं, ओके एक मिनट। चलो इसका आंसर निकालते हैं। मुझे चाहिए था वीबी,
वीबी चाहिए तो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 1/4 आर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर अपॉन आर 1/4, तो वीबी आ गया 4 किलोमीटर पर आर। और जैसे ही वीबी आ गया, वीबी के आते ही आपको ये पता है कि ये 5 किलोमीटर पर आर है और ये आपका 4 किलोमीटर पर आर है, आपको ये निकालना है। तो भाई परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटन्यूज पता है, बेस पता है, आंसर आ जाएगा वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आर, 3 किलोमीटर पर आर। क्लियर है? हाय अक्षय, 3 किलोमीटर पर आर, क्या ये क्लियर है? हाँ स्नेहलता, तेरा आंसर सबसे पहले आया। एक क्वेश्चन और बनता है क्या, करवा दूँ? क्या बोलते हो? चलो एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, चलो लो। क्वेश्चन ये है, एक बंदा रिवर को क्रॉस कर रहा है शॉर्टेस्ट पाथ से, शॉर्टेस्ट पाथ से, ठीक है, और उसकी जो बोट है वो बोट जा रही है 30 डिग्री पर वर्टिकल, इस हॉरिजॉन्टल से ये, और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आर। आपको ये निकाल, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर नंबर 1, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों चीजें आपको निकाल के लानी है, और आपको बस यही दिया हुआ है, ये 30 डिग्री पर जा रहा है तब जाकर ये शॉर्टेस्ट से जा रहा है, आपको निकाल कर लेकर आना है ये दोनों चीजें, वी आर और वी बी। करो तो कर डालो, फोड़ दो इस क्वेश्चन को, रुकना मत, रुकना मना है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्राइंगल, बिना ट्राइंगल के कुछ करेंगे ही नहीं अपन, कसम खा ली अपन ने। ये लो, ये हो गया वी बी आर, आगे की तरफ होगा वी आर, ऊपर की तरफ है अपने पास वी बी, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये है आपका 5 किलोमीटर पर आर। तो ज्ञानियों, अगर तुम इसको रिजॉल्व करो तो क्या ये जो 5 cos 5, जो ये 5 आ रहा है, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, या वो कंपोनेंट भी गया भाड़ में? आप तो ये देखो, आपको ये पता है 5 है, आपको ये और ये निकालना है, तो क्या इस ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज करो, वी आर अपॉन 5 कर दो, तो क्या आपको sin 30 डिग्री वैल्यू मिल रही है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये परपेंडिकुलर वी आर, ये हाइपोटन्यूज 5, तो क्या आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज sin 30 यानी कि वी आर इज इक्वल टू 5, sin 30 इज 1/2 किलोमीटर पर आर, आंसर आ गया 2.5 किलोमीटर पर आर है आंसर छोटा सा। अब इसी ट्राइंगल में आपको वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कैसे निकलेगा? वीबी अपॉन वीबीआर, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू cos 30, वीबी चाहिए, वीबीआर है 5 और cos 30 √3/2 मीटर पर किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया? सिर्फ ट्राइंगल ढूंढना है बच्चा, और कुछ नहीं करना, बाकी सारी कृपा ट्राइंगल करेगा तुम पे। वैसे स्नेहलता, तेरी तो क्लास थी, तू बाबा जी के दरबार में कहां से बैठी है? चल एक क्वेश्चन और,
ये आपके पास रिवर है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। बंदा सीधे सीधे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है। आपको बताना है कि शोर के साथ, मतलब कि स्ट्रीम के साथ, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी उसका क्या एंगल होगा अल्फा। आपको बताना है कि किस वेलोसिटी के साथ ये जाएगा। आपको बताना है ड्रिफ्ट क्या होगा। आपको बताना है कि क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। अगर इसकी विड्थ जो है वो 250 मीटर हो तो, सही बात है, हाजिरी लगाए बिना कैसे काम चलेगा। चलो तो आपको ये सब अल्फा, वीबी, ड्रिफ्ट ये सब निकाल के देना है। ट्राइंगल ढूंढो, ट्राइंगल, काम खत्म, फिनिश, ओवर, डन, डना डन डन। मैं रुक गया 1 मिनट के लिए ताकि तुम दिमाग लगा लो और आंसर देना शुरू करो। टाइम अप। किसी ने भी आंसर नहीं दिया, गलत बात है यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। देखो ये कहां जा रहा था, सीधे सीधे जा रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी वी बी आर। रिवर कितने स्पीड से है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो रिजल्टेंट बनेगी वो इधर बनेगी ऐसी, ये आ गई आपकी रिजल्टेंट वीबी। अब आपको वीबी बताना है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो गौर से, वीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू वीबीआर, वीआर स्क्वायर प्लस वीबीआर स्क्वायर। सो वीबी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो वीबी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 164। Yes or no? If it is 164, it will be under the root of 16 into 41। नहीं यार, वी भी तो मैं गलत आ रहा है, 164 है, 164 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 169 होता है 13, मतलब 12 point something something आएगा आंसर, 12 point something something। अब वी भी आ गया, एंगल चाहिए अपन को, एंगल ये है अल्फा, ये वाला एंगल है अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। अपन को ये पता है कि ये 10 है और ये पता है कि 8 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10 अपॉन 8, यानी कि 10 अल्फा आ गया 5/4। बस यहीं छोड़ दो आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? गुड, बहुत आसान है। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना, सिर्फ तुम्हें ट्राइंगल ढूंढना है, ट्राइंगल के अलावा और कुछ भी नहीं ढूंढना है, ठीक है? कल फिर अपनी लाइव क्लास है, और जब अपनी फ्राइडे को होली है, होली पर अपने टेस्ट होंगे, जो संडे को टेस्ट होते थे वो टेस्ट अपने शिफ्ट हो गए हैं होली पे, ठीक है? सो आज की कक्षा को अपन यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई बात करनी है, अभी कमेंट करो, बाबा जी तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ रहे हैं, आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेने दो, लो ले लो।
ओके, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट निकालने के लिए आगे की तरफ स्पीड क्या है इसकी? 8। और आपको ये दे रखा था मैंने 250, और इस साइड आगे जाने की स्पीड है आपकी कितनी? 10। तो आपको जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा? 250, यानी कि 1/4 किलोमीटर अपॉन टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी आगे जाने की? 10। तो टाइम आ जाएगा 1/40 आर। एक बार टाइम आ गया तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए आगे जाने वाली स्पीड है 10, 8। तो 8 × टाइम, 8 × 1/40, यानी कि 1/5 किलोमीटर, यानी कि 250 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है अंकित, इसमें कहां से माइक ओपन करूं यार। चलिए, सो शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस बच्चे कुछ डे। फिर से अपनी मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे आगे के टॉपिक के साथ। पहले से ही लेक्चर का थंबनेल डल जाता है तो देख लिया करो आज बाबा जी क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस बच्चे कुछ डे एंड जय हो।